फाइनली एल्विश यादव और मैक्स ट्रेन की लड़ाई हुई खत्म, रैंडम सेना पर उठा बड़ा सवाल। तो इस वीडियो के साथ आप भी बने रहिए अंत तक। दोस्तों, रजत दलाल ने वो कर दिखाया है जिसका बेसब्री से लोग इंतज़ार कर रहे थे। जो सच्चे फ़ैन हैं, चाहे वो एल्विश के हो चाहे वो मैक्स ट्रेन के हो, जो यूट्यूबर्स हैं जो यूट्यूब को सपोर्ट करते हैं, सभी चाहते थे कि ये कॉन्ट्रोवर्सी का अंत हो। और अब फाइनली कॉन्ट्रोवर्सी का अंत हो चुका है। मैं चाहूँगा ये इंस्टाग्राम लाइव है एल्विश मैक्स ट्रेन का, इसको एक बार को आप ज़रूर सुनिए। क्या लगा इस? आ जाओ पीछे चलो चलो। तो सिस्टम भाई थोड़ा बिना सिस्टम के हैं फिलहाल। अभी हो गई है पॉजिटिव नोट पे बात, दो लोगों की बात थी, अभी ये दोनों खुद से बात करेंगे, देख लेना। भाई जो भी हुआ, जो आपने सारी वीडियोस वगैरह देखी होंगी, थोड़े इधर आ जा भाई फ्रेम में, सारी चीज देखी होंगी हमारी, जो भी बात थी गर्मा गर्मी में, चाहे भाई ने जो भी बात मेरे को बोली उसके चक्कर में मैं गया, और जो भी हमारी लड़ाई लड़ाई हुई वो अब सारी भाई अपनी तरफ से क्लियर है। एक बार भाई तुम और बता दो क्या क्या सीन है। थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन था और थोड़ा सा मैं, किसी ने तो उकसा दिया था मेरे को, तो थोड़ा सा मैं हो गया, तो मैं अभी नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने बता दिया इनको, बहुत शॉर्ट करेंगे उनके बारे में भी, आप बताओगे। जो जो अपनी पूरी बात थी कि भाई ने भी कैमरा भी फिट करा, सारी चीजें करी, वो किसी के कहने पे करी, नाम मत ही लेना, तो अभी तो बात की बात में देखेंगे। बाकी मेरी तरफ से भाई सारी चीज क्लियर है, और मेरी तरफ से अब कोई फिजिकली सोशली कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। तुम ना लड़ता मैं तो हम कौन से लड़ते फिरते घूमते भाई, हम भी सही रहते भाई, अपना खत्म। तो बात क्या है भाई, ऑलमोस्ट सारे समाज के बंदे यहाँ पे हैं। एक छोटी सी गुजारिश है सबसे, टूतिया मत बनो और आपस में मत लड़ो। कोई बहन तो हल्की सी चिंगारी मारता है, सबकी सुलग जाती है और तुम आपस में गुथने लग जाते हो। सारे भाई मिलके एकजुट रहो। नितिन भाई, भाई प्यार मोहब्बत से रहो, सारे एक साथ हैं तो वही एक हमारी पावर है, और आपस में लड़ोगे तो कल को कोई कहीं भी रपटा जाए आपको, तो प्यार मोहब्बत बनाए रखो, सबसे बड़ी बात यही है। दूसरी चीज, सामने से अगर मैंने आके बात रखी है तो सीधी चीज है, एल्विश भाई के पार्ट पे, तेरा नाम क्या था? सागर ठाकुर। सागर, कंफ्यूजिंग है थोड़ा, इसको फिजिकली मेंटली सोशली फाइनेंशियली किसी हिसाब की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर होती है तो एल्विश भाई बहुत अच्छे से समझते हैं कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस गलत जा सकते हैं। दंसीन है? तो अब इस चीज को पॉजिटिव नोट पे करते हैं या खत्म। जय राम जी की भाई। तो जी हाँ, यहाँ पर आपने देखा कि रैंडम सेना पर सवाल उठाया जा रहा है। ये जो पूरी साजिश थी वो रैंडम सेना की तरफ से की गई थी, ऐसा कहना है इनडायरेक्टली मैक्स ट्रेन का। फिलहाल आप बताना कमेंट बॉक्स में इस कंट्रोवर्सी के शांत होने पर आप क्या कहना चाहोगे। क्या आपको लगता है कि अब भी भाईचारा ऑन टॉप रहेगा, या फिर आपको लगता है कि यहाँ पर पैसे की जीत हुई है? मैं जानना चाहूँगा आप सभी का ओपिनियन कमेंट बॉक्स में। और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।